नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन मशीन। जो ये मशीन है वो है एनिमल फीड पैलेट मशीन। सो दोस्तों, आज मैं इस मशीन के बारे में आपको डिटेल में पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ और इस मशीन का डिटेल नॉलेज आपको देने वाला हूँ। मशीन में क्या क्या चीज़ें आती है, इस मशीन से आप किस किस प्रकार का एनिमल फीड पैलेट बना सकते हैं, उस चीज़ों की बात करूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बात करूँगा कि मशीन कितने रोलर वाली आती है, कितने रोलर की मशीन होनी चाहिए और ये मशीन किस किस जानवरों के लिए फीड और पैलेट बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इस मशीन से आप कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं और किस जानवरों के लिए आप आहार बना पाएंगे इसी मशीन के थ्रू। तो ये सारी जानकारी आज इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ में दोस्तों, एडवांस नॉलेज देने वाला हूँ पशु आहार बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। स्टे ट्यून। सो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मशीन को समझने और आपको वन बाय वन हम मशीन समझाएंगे, बताएंगे क्या क्या चीज़ें मशीन में आती हैं और मशीन किस प्रकार की है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस मशीन में रोलर किस प्रकार का है। सबसे पहले आइए मैं आपको रोलर दिखाता हूँ कि रोलर किस प्रकार की है। सो दोस्तों, पैलेट की जो मशीन आती है उसमें दो रोलर आते हैं, तीन रोलर आते हैं और चार रोलर आते हैं। ये जो मशीन आप देख पा रहे हो ये चार रोलर वाली मशीन है और इसमें अभी हम बनाने वाले हैं 6 mm का दाना। तो यहाँ पर अभी हम 6 mm का पूरा दाना बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे मशीन 6 mm का दाना बनाकर देती है। और अभी मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ मशीन के कुछ एडवांटेजेस मैं आपके साथ कवर करूँगा, जिसके अंदर मैं ये दिखाऊँगा कि मशीन के अंदर क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी आपको दी हुई है कि जो मशीन आपको बहुत ही बेहतरीन यूज़ करने में हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा पैनल वाला पार्ट है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास 3 बटन अवेलेबल हैं। पहला बटन जो आप देख पा रहे हैं ये इमरजेंसी बटन है, जो कि अगर आप दबाते हैं तो इमरजेंसी में अगर कुछ मशीन अगर आपको बंद करना है तो आप इमरजेंसी बटन को अगर दबाएंगे तो मशीन बंद हो जाएगा। ये इमरजेंसी बटन दिया हुआ है। और जैसे आपका मशीन ऑपरेटिंग मोड में रहेगा तो ये वाला जो बटन आप देख पा रहे हैं, बटन नहीं है एक्चुअली, ये लाइट है, इंडिकेटर है, यहाँ पर आपका ये जो लाइट है वो चालू हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप 2 बटन देख पा रहे हैं, स्टार्ट का और स्टॉप का। तो इस मशीन में आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो आप देख पाएंगे ये हमारा मोटर है जो कि ब्रांडेड मोटर हमने 20 HP का लगाया हुआ है। ये बटन इसे कंट्रोल करता है, अगर आप ये बटन दबाते हैं तो आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ये बटन दबाएंगे तो आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर लाइट, जो आपका MCB है, MCB अगर अप करेंगे तब जाके चालू होगा या MCB में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये बंद होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा इंडिकेटर एंड इन्फॉर्मेशन पैनल है जो कि आपको गाइडलाइन देता है। साथ ही साथ में आप ये जो पैनल देख पा रहे हैं ये पैनल है वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पर वोल्टेज का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है इस पैनल में। और साथ ही साथ में आप ये जो दूसरा पैनल देख पा रहे हैं ये पैनल है हमारा एम्पियर का, तो जब भी मशीन चलेगा तो आपको यहाँ पर एम्पियर आप देख पाएंगे कितने एम्पियर पर मशीन चल रही है। अभी दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको और मशीन को थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा हेवी मशीन है, तो इस मशीन में हमने क्या किया हुआ है, आपके लिए एक रोलिंग व्हील दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसे रोलिंग व्हील हमने दिया हुआ है, इससे क्या है कि आप मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, इस मशीन में ऑयल भी लगता है, ऑयल लगता है इसमें 320 नंबर का जो गियर ऑयल आता है वो इसमें आता है। और मशीन में हमारा कितना ऑयल है, जब भी आप मशीन लेते हैं आपको याद रखना है ये लेवल पे आपका ऑयल रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें कंट्रोलिंग के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसा आपका ऑयल, ये जो इंडिकेटर है इसमें दिखेगा कि आपका ऑयल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसी पैनल से आप इसे मैनेज कर पाएंगे। अभी अगर आपको ऑयल को भरना है तो आप यहाँ से ऑयल इनपुट कर पाएंगे, यहाँ से ऑयल फिलअप होगा। और अगर आपको ऑयल बाहर निकालना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ से आप ऑयल को निकाल पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन वे में आप इनपुट कर पाएंगे और आउटपुट कर पाएंगे ऑयल का।
तो ये सारा जो ऑयल का रहा ये इंफॉर्मेशन रहा। रोलिंग व्हील आपके मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा आउटपुट एरिया है मशीन का, यहाँ से आउटपुट निकलता है और यहाँ पर आप देख पाएंगे पैलेट की साइज़ को बड़ा करना है छोटा करना है आप इस ब्लेड के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मशीन हो जाती है, यहाँ से आप आसानी से पैलेट की साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ मशीन है। और अगर आप दिन का अगर 200 से 300 किलो का प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं एक घंटे में तो दोस्तों ये मशीन आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाती है। 20 HP की मशीन है जो कि आपको बेहतरीन क्वालिटी का पैलेट निकाल कर देती है। अगर दोस्तों अगर आपकी पैलेट की साइज़ बड़ी होती है तो इसका प्रोडक्शन 450 से 500 kg पर आवर हो जाता है, और अगर आपका पैलेट का साइज़ छोटा होता है तो दोस्तों आपको ये 250 से 300 kg का प्रोडक्शन आराम से दे देती है। तो दोस्तों ये पैलेट मशीन है, बेसिकली एनिमल फीड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, और साथ ही साथ में दोस्तों जैसे आप मुर्गा वगैरह हो गया या छोटी छोटी जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी दाना ये मशीन बनाकर देती है जो कि आपको 3 mm 4 mm का पैलेट बनाकर दे देती है। तो दोस्तों इस मशीन में आज जो हम डेमो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 6 mm का दाना बनाकर दिखाएंगे जो बेसिकली गाय भैंस और बकरी के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर हम पूरा पैलेट निकाल कर दिखाएंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों अंत में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप फीड जानवरों को खिला सकते हैं। किसी वीडियो में आपको नॉलेज नहीं दिया गया है बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप आसानी से इस फीड को कैसे आप जानवर को दे सकते हैं और कैसे वो जानवर अच्छी तरह से इसे खा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। तो चलिए अभी हम आगे चलेंगे और मशीन का पूरा ऑपरेटिंग मैथड देखेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे मशीन चलाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मशीन को चलाते हैं और आपको दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं मशीन को चालू करने, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको MCB के बारे में दिखा दूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे हैवी क्वालिटी MCB लाइंस वगैरह दी हुई है, यहाँ पर पैनल में सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पर अभी हम मशीन को चालू करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा MCB यहाँ पर चालू कर देना है। आप देख पाएंगे यहाँ पर MCB हमने चालू कर दी और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं मशीन को स्टार्ट करने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे लॉक कर देना है, और पैनल आपका लॉक हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर मशीन को चालू करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे जो मशीन है हमारा चालू हो चुका है, और यहाँ पर आप वोल्टेज देख पाएंगे और यहाँ पर आप एम्पियर देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मशीन को चालू किया और अभी हम इस मशीन से आपको थोड़ी देर में प्रोडक्शन निकाल कर दिखाएंगे कैसे इसमें प्रोडक्शन निकलता है। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको मटेरियल दिखा देता हूँ जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो मटेरियल आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही मिक्स किए हुए DOCs हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो पाउडर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्के का पाउडर, साथ ही साथ में गेहूँ, जव और जो अलग अलग प्रकार के जो अनाज आते हैं वो सारे ही अनाजों का यहाँ पर अच्छी तरह से ग्राइंडिंग किया हुआ है, और वो ग्राइंडिंग करके इस प्रकार का मटेरियल रेडी किया हुआ है। आने वाले वीडियोस में मैं पूरी प्रोसेस भी कवर करूंगा कि इस प्रकार का फीड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर कर रहे हैं ओनली पैलेट कैसे बनता है, एनिमल फीड पैलेट कैसे बनाया जाता है वो हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम ये मटेरियल रेडी कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन पैलेट बनाने की प्रोसेस देखने। तो यहाँ पर यह मटेरियल है,
इसे अभी हम यहाँ इस मशीन पर लगाएंगे, और यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कैसे चालू किया जाता है। तो सबसे पहले हम पैनल के पास में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैनल है ये स्टार्ट बटन का है। यहाँ पर जैसे इसे प्रेस करेंगे हमारी मशीन चालू हो जाएगी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो मशीन है वो चालू हो चुका है, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले तो आपको मटेरियल को डालना है, और यहाँ पर जैसे आप मटेरियल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऑटोमेटिकली आपका जो पैलेट है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मटेरियल को लोड कर देना है इस प्रकार से होपर में, और जैसे जैसे आपका होपर के अंदर माल आ जाएगा धीमे धीमे आपका पैलेट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करके आपको दिखाएंगे कैसे पैलेट बनता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मशीन ने किस प्रकार से ये यहाँ पर पशु आहार बनाया है, और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है एनिमल फीड पैलेट। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार की पैलेट मार्केट में बहुत ही डिमांड है, और मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का जो पैलेट है अलग अलग जानवरों के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप जान पाएंगे गाय के लिए पैलेट बनता है, बकरी के लिए पैलेट बनता है, भैंस के लिए पैलेट बनता है, भेड़ के लिए पैलेट बनता है, साथ ही साथ में मुर्गी दाना जो कि पैलेट में ही बनता है। इस प्रकार से अलग अलग जानवरों के लिए आप इस मशीन के थ्रू पैलेट बना सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो इस मशीन का सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि दोस्तों ये कॉमर्शियल मशीन है। इस मशीन से आप हैवी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, और वो प्रोडक्शन निकाल कर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, और उनके थ्रू एक अपना खुद का पशु आहार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पूरा प्लांट सेटअप करना है तो दोस्तों इसी प्रकार की पैलेट मशीन लगती है, और साथ ही साथ में आपको मिक्सचर मशीन लगेगा, कन्वेयर लगेगा, और अलग कुछ ग्राइंडर मशीन्स लगेंगे, और इस प्रकार की मशीनें लगा कर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे आप एनिमल फीड पैलेट बना सकते हैं, उसके बारे में बात किया, और आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं आपको छोटी मशीन के बारे में भी गाइड करूंगा कि छोटी मशीनें कौन सी अवेलेबल हैं, प्लांट के लिए कौन सी मशीनें लगती हैं, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा और बताऊँगा। और दोस्तों ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ये एनिमल पैलेट मशीन बाय करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे, जो हमारी टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा गाइडलाइन देगी, और किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला जो बटन आपको नज़र आ रहा है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो वीडियो है वो मिलती रहे, और आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि जो हमारी नई वीडियोज़ जो हम लॉन्च करेंगे वो आपको पहले आपके इनबॉक्स में मिल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे YouTube चैनल को, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ आप देख सकें।
और दोस्तों अगर किसी प्रकार का सुझाव है, कमेंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वहाँ पर एक कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिले इस प्रकार की नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।